थर्टी से फोर्टी सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ये दोनों टॉपिक का एंड प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्टली लिंक है कॉम्पिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बट सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं सॉल्विंग बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक अब ऐसा क्यों है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आके हमें डाउट पूछते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जाम में उनको समझ में नहीं आता कि वो क्वेश्चन कहाँ से है कॉम्पिटेशन से है कि कम्बिनेशन से है तो अगर ये एक बार पूरा तरह से समझ में आ जाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये कौन सा एरिया से आया है तो उसके बाद वो लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड दे कैन आंसर सो इन टूडेज कॉम्बिनेशन सो लेटार्ट अवर एलिमेंट्स पोमोटेशन का डिक्शनरी मीनिंग बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वर्ड कम्बिनेशन दिस लिटरली मीन सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सो इन इव इन क्वेश्चन यू आर गेटिंग वर्ड लाइक्स इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी पोमुटेट

देखो, हमारा क्वेश्चन है, है तो क्या क्या बना सकते हैं एक बार मेनुअली सोचते हैं क्या क्या बना सकते हैं अब देखो वन टू को लेके मैं ट्वेल्व बना सकता हूँ वन थ्री को लेके थर्टीन बना सकता हूँ टू थ्री को लेके ट्वेंटी थ्री बना सकता हूं मतलब मैं तीन नंबर बना सकता हूं वन टू थ्री को लेके बट अगर मैं उनका ऑर्डर चेंज करूं वन टू का ऑर्डर चेंज किया तो मेरे को मिला ट्वेंटी वन वन थ्री का ऑर्डर चेंज किया थर्टी वन मिला टू थ्री का ऑर्डर चेंज किया थर्टी टू मिला नाउ एज यू कैन सी ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी अगर मैं वन टू का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं तो मेरे को नया नंबर मिल रहा है मतलब क्वेश्चन में ऑर्डर का इंपोर्टेंस है मैं क्वेश्चन को मैं ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता क्यों क्योंकि अगर मैं ऑर्डर चेंज करूं मेरे को नया नंबर मिल रहा है

मेरे को टू डी नंबर बनाना था तीन डी अवेलेबल था मैं वन टू को लेकर ट्वेल्व भी बना सकता हूं ऑर्डर चेंज करूं तो ट्वेंटी वन बनेगा एंड ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से हमको नया कुछ मिल रहा है इसी वजह से ऑर्डर का इंपोर्टेंस है इसी वजह से हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया ठीक है सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन राम हैज थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी नाउ सपोज हमको पूछा गया फाइंड आउट इन हाउ मेनी वेज कैन ही इन्वाइट

यू आर कॉलिंग यू आर कॉलिंग श्याम एंड हरी फॉर डिनर और यू आर कॉलिंग हरी एंड श्याम फॉर डिनर इसमें कोई चेंज है क्या एट द एंड ऑफ द डे द टू पर्सन कमिंग टू योर होम आर्कमरी अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ मेरे को नया कुछ नहीं मिल रहा है वही सेम चीज मिल रहा है ए बी का ऑर्डर चेंज किया मेरे को फिर से वही मिला बी एंड ए बी में कोई डिफरेंस नहीं दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर का इंपोर्टेंस नहीं है तो क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का इंपोर्टेंस नहीं है दिस इज ए क्वेश्चन फॉर्म कम्बिनेशन तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट

तो क्वेश्चन पढ़ के हमको खाली समझना ये है कि क्वेश्चन में ऑर्डर का इंपोर्टेंस है कि नहीं अगर ऑर्डर का इंपोर्टेंस है डायरेक्टली गो फॉर पोमोटेशन अगर ऑर्डर का इंपोर्टेंस नहीं है देन डायरेक्टली गो फॉर कॉम्बिनेशन और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर देखो मान लो सपोज हमको बोला गया अ पर्सन हैज फाइव डिस्टिंग चॉकलेट्स कुछ भी चॉकलेट्स कैडबरी डेरी मिल्क या फिर मान लो एबीसीडी e, कोई भी पांच चॉकलेट है लेकिन डिस्टिंग चॉकलेट्स आइडेंटिकल नहीं है अलग अलग चॉकलेट्स सो ए पर्सन हैज फाइव डिस्टिंग चॉकलेट्स क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज यू कैन टेक थ्री चॉकलेट पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज यू कैन ईट थ्री चॉकलेट्स सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इन हाउ मेनी वेज यू कैन टेक थ्री चॉकलेट्स पांच चॉकलेट्स हैं डिस्टिंग चॉकलेट्स तीन चॉकलेट लेना है अब तीन चॉकलेट जो हमको जो हम ले रहे हैं उससे इसमें हम चॉकलेट सिलेक्ट कर रहे हैं अब इसमें तुम ए बी सी लेते हो या बी सी डी लेते हो ये अलग अलग केस आएगा बट ए बी सी लेते हो या ए सी बी लेते हो इसमें कोई डिफरेंस नहीं तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हुआ इन हाउ मेनी वेज यू कैन टेक थ्री चॉकलेट्स तो इसका आंसर क्या आएगा फाइव सी थ्री ऐसा क्यों क्योंकि मेरे पास टोटल पांच चॉकलेट था उसमें से मेरे को तीन चॉकलेट सिलेक्ट करना है व्हिच कैन बी डन इन सी तो ये सीधा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बट अगर यहीं पर पूछा जाए इन हाउ मेनी वेज यू कैन ईट थ्री चॉकलेट्स अब देखो पांच चॉकलेट था तीन चॉकलेट हमने ले लिया ए बी सी अब मैं तीनों तो एक साथ नहीं खाऊंगा या तो पहले ए खाऊंगा या फिर बी खाऊंगा या फिर सी खाऊंगा तो यहां पे फिर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आ गया मैंने तीन चॉकलेट ले लिया अब उसमें से कौन सा पहला खा रहा हूं ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आ गया तो इसी वजह से यह क्वेश्चन बन गया पोमोटेशन का तो इसका आंसर आएगा फाइव पी थ्री देखो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम खाली एक वर्ड का डिफरेंस इन हाउ मेनी वेज यू कैन टेक थ्री चॉकलेट्स इन हाउ मेनी वेज यू कैन ईट थ्री चॉकलेट्स टेक थ्री चॉकलेट्स फाइव सी थ्री इट थ्री चॉकलेट फाइव पी थ्री तो एकदम माइन्यूट डिफरेंस होता है पोमोटेशन कॉम्बिनेशन में तो क्वेश्चन पढ़ के हम, हमेशा हमको समझना ये है कि उसमें ऑर्डर का इंपोर्टेंस है कि नहीं है ऑर्डर इंपोर्टेंट है गो फॉर पोमोटेशन नहीं है देन ऑलवेज गो फॉर कॉम्बिनेशन अब इसके ऊपर हम और भी कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे मच uh,